हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरेंजमेशन ग्रावर में। तो स्टूडेंट, आज मैं पुनः आपके सामने लेके आया हूँ लाइनर इक्वेशन, रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। पर इसमें ब्रैकेट है, इसके पहले वीडियो में बिना ब्रैकेट वाला बताया था, इसमें ब्रैकेट वाला है। इसके बाद फिर मैं फ्रैक्शन इनकी बटा वाला बताऊँगा, फ्रैक्शन रूप में रहेगा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे धीरे धीरे और कठिनता की तरफ में मैं चलूँगा। तो स्टूडेंट, ज़्यादा समय ना लेते हुए तुरंत मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो आपको दो पॉइंट मालूम होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले। वो पॉइंट क्या है कि आप देखेंगे, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, या इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो बराबर के जब माइनस उस पार जाता है प्लस हो जाता है, और प्लस जब उस पार जाता है तो माइनस हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, चिन्ह का अदला बदली होता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अगर बराबर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाता है, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट तोड़ के उसके बाद आप क्या करेंगे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ किया जाता है। तो ये आपका देखेंगे यहाँ से थ्री है, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखेंगे ध्यान, थ्री है ये। अब थ्री का क्या करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो थ्री का पहले होगा एन में, तो हो जाएगा थ्री एन हो गया, और फिर थ्री का माइनस फाइव में होगा, तब यहाँ प्लस है, इसका कुछ नहीं माना जाता, यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा आपका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और थ्री फाइव या फिफ्टीन, तीन पाँच पंद्रह हो गया। तो ब्रैकेट टूट गया, हमें क्या किया, तीन का यानी में भी गुणा किया और चिन्ह के साथ फाइव में भी गुणा किया, और बराबर माइनस ट्वेंटी वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे चर जो है थ्री एन है, और अचर फिफ्टीन ट्वेंटी वन डबल है, तो हम क्या करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ करेंगे। तो ये थ्री एन देखिए हमने वही रख दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में है, और ये माइनस फिफ्टीन हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमको इसको किस तरफ ले जाना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो माइनस ट्वेंटी वन हमने वही लिखा, इसके चिन्ह में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में है, लेकिन माइनस फिफ्टीन हमने छोड़ दिया था, इधर था लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस पार जा रहा माइनस फिफ्टीन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस फिफ्टीन में हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको भी बताया है। अब इसको थ्री एन तो वही रहेगा और इक्वल। अब यहाँ देखेंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस घटाना है, तो घटाना तो है, लेकिन आप किसमें से किसमें घटाने के लिए बोला, तो पंद्रह में से इक्कीस बोला घटाने के लिए, जो कि कम में से ज़्यादा बोला घटाने के लिए, घटेगा तो इक्कीस में से पंद्रह, तो इसमें कंडीशन में क्या करते हैं, घटा के माइनस लिख दिया जाता है, तो पाँच एक छः बचेगा, लेकिन अगर छः लिखते गलत हो जाएगा, माइनस सिक्स आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि देखेंगे ये कम में से ज़्यादा बोला घटाने के लिए, देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, माइनस इक्कीस बड़ा, इसका एक चिन्ह लिख दिया जाता है। तो पुनः एक बार देखेंगे, इस बार ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, और गुणा जब रहता है, अगर बराबर का चिन्ह है, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, या यहाँ पर गुणा पहले है और फिर भाग है, ये जब अदला बदली होता है, गुणा इस तरफ जाता है भाग बदलता है, भाग इस तरफ आता है तो गुणा में कन्वर्ट होता है, ये भी आपका ध्यान रखना है दोनों चीज़। तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर जाएगा भाग में हो जाता है, तो एन बराबर माइनस सिक्स अपान, ये भाग का चिन्ह देखिए लिखा, बटा का मतलब ही भाग होता है, मैं बटा करके तीन लिख दिया, तब तीन से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तीन दुना क्या होता है छः, तो एन बराबर क्या आ गया आंसर माइनस टू, तो हो गया आंसर। तो इसमें बहुत ही ईजी होता है। तो एक क्वेश्चन और लिखा हूँ, उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, अगर आपका कुछ कमी थी उसे पूरा कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे मल्टीप्लाई के माध्यम, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है, तो टू का एम में होगा तो टू एम, ठीक है। अब टू का माइनस टू में भी तो होगा, तो माइनस का माइनस चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का माइनस होगा, तो दोनों चार, ब्रैकेट टूट गया। अब प्लस थ्री का ध्यान रखना, प्लस थ्री का गुणा करना है, तो प्लस प्लस का प्लस होता है, क्योंकि यहाँ फोर एम के पहले प्लस माना जाता है, और गिनती गिनती गुणा करेंगे, तीन चौक बारह, थ्री फोर जा ट्वेल्व हो जाता है, एम अच्छा अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसके पास थ्री के पास एम नहीं है। अब यहाँ पहले चिन्ह का गुणा कर दो, प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस, और तीन करने तीन बराबर जीरो कर दीजिए। अब पुनः जैसे इसमें किया गया था, चर एक तरफ अचर एक तरफ, यहाँ देखेंगे ये टू एम है, इसके साथ जुड़ेगा घटेगा, ये जो है इसके साथ जुड़ेगा घटेगा, तो ये नहीं लिखा जाता, समझाने के लिए मैं ये बनाया हूँ एरो। तो पुनः क्या करेंगे, टू एम वही लिख दीजिए, और बारह एम इसके पास लिखिए, प्लस बारह एम, हमने क्या किया चर्च को एक तरफ लिख दिया। अब मैं ये दोनों जो गिनती छोड़ दे रहा हूँ उसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो मतलब कुछ नहीं, लेकिन माइनस फोर उस तरफ जाएगा तो प्लस फोर में हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं लिखे लेकिन प्लस माना जाता है, ये माइनस थ्री भी उधर गया तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो प्लस थ्री हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है, चिन्ह बदल जा रहा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, अब मैं कहाँ लिख दिया हूँ, राइट हैंड साइड में।
अब ये 12 और 2 जोड़ लीजिए, 14 एम हो गया, 14 एम, और ये 4 × 3 = 7 हो गया। तो यहाँ फिर गुणा आ गया, तो गुणा आता है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यम बराबर 7/14, बटा का मतलब भाग होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, 7 × 7 और 7 × 2 = 14, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ एम बराबर क्या आ गया है, 1/2, तो ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, फ्रैक्शन बटम होगा तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो अगला वीडियो प्राप्त करेंगे लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जैसे नोटिफिकेशन आपके पास भेजें तुरंत आपको वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।